डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद 4,394 तलबा और तालबात कराची में मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में शरीक हुए। साद बुखारी की रिपोर्ट देखते हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में होने वाले एंट्री टेस्ट में बड़ी तादाद तालबात उम्मीदवारों की थी और उन तालबात के पास लड़कों के मेडिकल की जानिब रुझान कम होने की वजूहत भी थी। लड़कों के लिए मेडिकल फील्ड में इतना स्कोप नहीं होता आगे जाके, बिकॉज उन्हें एक पूरी फैमिली रन करनी होती है। लड़के निकम्मे होते हैं, इसलिए वो डॉक्टर्स नहीं बन पाते। कंटिन्यू 5 साल का जो पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना आप कोई जॉब नहीं कर सकते। MBBS और BDS के एंट्री टेस्ट में शरीक 4,000 से जायद तुलबा के लिए इंतजाम इंतहाई नाकाफी थे। मुस्तकबिल के डॉक्टरों की जुबा पर गर्मी और पीने के पानी की किल्लत का शिकवा भी था। मेरे पास तो फैन भी नहीं था और ऐसे मिट्टी ऐसे पाँव में जम रही थी। पेरेंट्स के लिए बैठने की जगह और कम से कम पानी का इंतजाम तो होना चाहिए। फैंस वगैरह नहीं थे, इवन मिट्टी बहुत थी और जो पानी की बॉटल्स हैं वो सारे बच्चों को नहीं प्रोवाइड की गई थी। तो थोड़ी गर्मी भी थी और AC भी नहीं था, पंखे भी बंद थे। नाकस इंतजाम के बावजूद दाखिला टेस्ट में शरीक तुलबा आजमाइशी इम्तिहान अच्छा होने और पास होकर मेडिकल कॉलेज में जगह बनाने के लिए पुरुद नजर आए। ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था, काफी अच्छा पेपर उन्होंने बनाया था। टेस्ट वाज वेरी इजी और सारा वो भी अच्छा था, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन ओवरऑल अच्छा हुआ। चेहरों पर परेशानी और खौफ लिए दाखिला टेस्ट में शरीक हजारों उम्मीदवारों में से सिर्फ 800 खुश नसीब मेडिकल कॉलेजेस तक पहुँचने में कामयाब होंगे। साद बुखारी, आज न्यूज़, कराची।